नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का साधना न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ सानिया सिंह। तो चलिए सीधे रुक कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर, जो कि मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से आ रही है, जहां पर जनसुनवाई में एक महिला ने खुद के ऊपर पेट्रोल डाल लिया। बता दें कि महिला की शिकायत का निराकरण नहीं हो रहा था। वहीं कलेक्ट्रेट परिसर में महिला ने आत्मदाह करने की कोशिश की और मौजूद लोगों ने ही महिला को बचाया। बता दें कि डिप्टी कलेक्टर ने तहसीलदार को मौके पर जाकर महिला की समस्या को जानने के निर्देश भी दिए। बता दें कि महिला कोतवाली थाना क्षेत्र के लोहार मंडी क्षेत्र की निवासी बताई जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से बता रहे हैं, जहां पर बुरहानपुर में जनसुनवाई में एक महिला ने खुद पर पेट्रोल डालकर आत्मदाह करने की कोशिश की। हमारे बच्चे 8 महीने से बाहर फिर रहे केस में लावारिस। हमारे बच्चे बाहर फिर रहे, हमारे लड़के बाहर रह रहे, ये तो हमने रह रहे, ये तो हमने रहे। मेरे बहुत परेशान हो गए सर। हमारे बच्चे 8 महीने से बाहर फिर रहे केस में लावारिस। हमारे बच्चे बाहर फिर रहे, हमारे लड़के बाहर रह रहे, ये तो हमने रह रहे। इस वक्त की खबर हम आपको मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से बता रहे हैं, जहां पर जनसुनवाई में एक महिला ने खुद के ऊपर पेट्रोल डालकर आत्मदाह करने की कोशिश की। बता दें कि महिला जनसुनवाई में अपनी शिकायत लेकर पहुंची हुई थी। महिला की शिकायत का निराकरण नहीं हो रहा था, इसके चलते कलेक्ट्रेट परिसर में ही मौजूद महिला ने आत्मदाह करने की कोशिश की। इस पर और भी ज्यादा जानकारियों के लिए हमारे साथ संवाददाता अधर्व जुड़ चुके हैं। अधर्व, जन सुनवाई में महिला ने खुद के ऊपर पेट्रोल डालने की कोशिश की, आखिर महिला की किस शिकायत का निराकरण नहीं हो रहा था जिसके चलते परेशान महिला ने आत्मदाह करने की कोशिश की? महिला का पारिवारिक कारण थे, उसकी बहू से उसका कुछ विवाद चल रहा था और विवाद के चलते आज बहू ने उसे घर से निकाल के घर में कमरे में ताला लगा दिया था, जिसकी शिकायत लेके वो संबंधित थाने पे गई थी, लेकिन वहाँ निराकरण नहीं होने की वजह से जन सुनवाई में महिला पहुंची थी और वहाँ पे उसने पेट्रोल डाल के आग लगाने की कोशिश की, जिसे मीडिया कर्मियों ने उसे बचा लिया, रोक लिया। अभी जो अपर कलेक्टर है उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए तहसीलदार को उनके घर पे भेजा और निराकरण करने की आश्वासन उसे दिया है। जी अदर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन पूरी तमाम जानकारियों के लिए। हमारे बच्चे 8 महीने से बाहर फिर रहे केस में लावारिस। हमारे बच्चे बाहर फिर रहे,